नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मूंग की दाल की एक डिफरेंट सी रेसिपी, जिसको मैं मुगलई स्टाइल में बना रही हूँ और आप लोग को बहुत पसंद आएगी। नॉर्मली मूंग की दाल लोग खाना पसंद नहीं करते हैं और उसका टेस्ट ही कुछ अजीब सा होता है, बीमारों का खाना लगता है, लेकिन ये वाली दाल अगर आप एक बार खाएंगे तो बार बार ट्राई करेंगे। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है, रेसिपी पसंद आती है, तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए देखते हैं किचन में कि ये कैसे बनती है। मूंग मुंगलई बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए साबुत मूंग। उसको हमने भिगो के और फिर पानी निकाल लिया और उबालने के लिए फिर से उसको रखा है। तो उबालने के लिए इसमें हमने पानी और नमक, हल्दी और थोड़ा सा एक दो क्लोव्स लौंग के डाल के उबाला है। और इसको हम एक फुल सीटी और दो धीरे सिम पे करके उबाल लेंगे प्रेशर कुकर में। उसके बाद हम इसको फ्राई करने की तैयारी करेंगे। तो उसके लिए हमने सबसे पहले तो देसी घी लिया है और उसमें अनियन को आप लंबे लंबे कट कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा चॉप कर दिया था इसको, लेकिन लंबे लंबे कट करेंगे ज़्यादा अच्छा लगेगा। और उसे आप सॉटे कर लीजिए, फ्राई कर लीजिए बल्कि गोल्डन ब्राउन। और फिर जो घी उसमें से निकलता है वही घी हम फिर फर्दर यूज़ कर रहे हैं फ्राई करने के लिए दाल को। तो उसमें हमने बड़ी इलायची, जीरा, लौंग फिर से डाला। लौंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है मूंग की दाल के लिए, वो जो उसका टेस्ट होता है उसको काउंटर बैलेंस करता है। तो लौंग डालना बिल्कुल आपको भूलना नहीं है इसमें। हींग एक इंपॉर्टेंट इन्ग्रेडियंट है और साथ में ये आपका जिंजर। तो जिंजर और लहसुन हमने दोनों डाला है, जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च। ये सब सॉटे करना है हमें। तो सबसे पहले तो हमने जिंजर गार्लिक डाल के, और जब वो सॉटे हो गया था तब एक अनियन भी फाइनली चॉप करके उसको भी इसमें हमने फ्राई किया। अब ये हम अनियन ऐड कर रहे हैं और अनियन के साथ हरी मिर्च। हरी मिर्च आप चाहें तो पहले भी डाल सकते हैं कटी हुई, और चाहे प्याज के साथ, दोनों पॉसिबिलिटी है। अब इसको जब अच्छा सा सॉटे हो जाएगा ट्रांसल्यूसेंट से थोड़ा ज़्यादा, उस स्टेज पे हम इसको हल्दी, धनिया, धनिया बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर देता है। कोई भी आप दाल बनाते हैं अगर धनिया फ्राई करते समय डालेंगे तो बहुत बढ़िया अरोमा आता है उसका। और उसके साथ साथ हमने इसमें थोड़ी हींग और ऐड करी है। और फिर हमने इसमें ऐड किया है कश्मीरी मिर्च और रेड चिली पाउडर भी। तो अगर आपको रेड चिली पाउडर नहीं खाना है तो आप हरी मिर्च ही काफ़ी डाल सकते हैं, और या फिर दोनों चीज़ें, थोड़ा सा हरी मिर्च, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। और कश्मीरी मिर्च का बेसिक पर्पस कलर है, टेस्ट मतलब उसमें तीखा करने के लिए हमने इसको ऐड करते हैं। और जब ये सारी चीज़ें आपकी भून जाती हैं मसाले, उस स्टेज पे हम इसमें करीब आधा कप हमने दही ऐड किया है। तो दही आप चाहे घर की गाढ़ी जमी हुई दही ले सकते हैं या फिर हंकर ले लीजिए, तो वो बेस्ट होगा, उसमें आपका पानी कम निकलेगा। और उसको कंटिन्यूसली चलाते हुए आपको इसको भूनना है। तो चलाने का पर्पज़ यही होता है, दही बहुत जल्दी फटने लगती है। तो फट भी जाएगा तो कोई इश्यू नहीं है, फिर भी आप उसको जब चलाएंगे तो लास्ट में आपको लगेगा कि वो नॉर्मल एक अच्छा मसाला तैयार हो गया। तो अब इसको हमने चला के काफ़ी भून लेना है, इतना कि वो तेल छोड़ने लगे। अभी देखिए आप काफ़ी भून गया है, और बहुत तेज़ आँच पे इसको नहीं भूनना है, धीरे धीरे ही भूनना है। थोड़ा सा टाइम लेता है यही स्टेज खाली, जब दही को हम सुखाते हैं, बाकी सारे स्टेज फटाफट तैयार हो जाते हैं इसमें। तो ये भून गया, देखिए आप काफ़ी कुछ तेल इसमें तेल तो नहीं डाला हमने, देसी घी, और देसी घी ही यूज़ करनी है, तेल नहीं यूज़ करना है, उसी का फ्लेवर अच्छा आता है इसके साथ। और इसके साथ दही का कॉम्बिनेशन बहुत आता है, अच्छा आता है। दही एक तरह से मुगलई डिशेस में बहुत यूज़ होता है, तो हम क्योंकि मूंग मुगलई बना रहे हैं। अब जब हमारा फ्राई हो गया सारा मसाला, तब हमने उसमें मूंग की दाल ऐड कर दी है। और मूंग की दाल में एक थोड़ा सा उबाल आ जाएगा, तब हमने जो प्याज फ्राई करके रखा था गोल्डन ब्राउन वो भी ऐड किया है इसमें। और फिर अगर आपको लगता है सॉल्ट कम है दाल में, तो उसमें आप सॉल्ट अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। लास्ट में आप चाहें तो इसमें हरी धनिया भी ऐड कर सकते हैं, मैंने हरी धनिया नहीं ऐड करी है। अब ये हमारी दाल बन के तैयार है और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी दाल है। एक तो हैवी नहीं करती है क्योंकि मूंग की दाल है, और टेस्ट इतना अच्छा है कि आप जब भी बनाएंगे आपको लगेगा अरे एक बार और बनाएंगे दोबारा से फिर से। तो आप भी इसको ट्राई करिए, और जो भी
आपके इसके बारे में कमेंट्स है, आपको कैसी बन के आई है ज़रूर लिख के हमें बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।